तो कैसे हो दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको लेके चलता हूँ कुली खान के मकबरे में, जो मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अभी 4 जनवरी से पहले उसमें कोई टिकट नहीं लगता था, अभी टिकट लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें काफ़ी चेंजेस किया हुआ। उसमें आपको अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे, गार्डन टाइप का बना दिया है और कुछ कैफेटेरिया भी बना दिए गए हैं। और मकबरे के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मरम्मत किया हुआ है। तो चलिए हम देखेंगे, जानेंगे कैसा है मकबरा। तो दोस्तों, यहाँ से चलेंगे हम ऊपर की तरफ। यहाँ से काफी ऊंचाई पर है वो मकबरा, उनका जो मकबरा है वो ऊंचाई पर है, और यहाँ से 4 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो ये है इसका मेन गेट, आप इस मेन गेट का जो है आप बनावट देख सकते हैं। और इस गेट के दोनों तरफ आपको एक छोटा सा रूम नुमा एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये है एक इस तरफ भी है और एक इस तरफ भी। तो आप इसके अंदर का देख सकते हैं सीन, और यहाँ से सामने आपको तालाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और चलिए चलते हैं सामने की तरफ, मैं आपको इसके दूसरे वाले रूम का भी अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। और ये है दूसरा रूम, आप ये देख सकते हैं, सेम उसके तरह ही बना हुआ, दोनों सेम है। दोनों में जो है दरबान रहा करते थे, गार्ड रहा करते थे। और ये है इसके मेन गेट का गुंबद, आप देख सकते हैं मेन गेट का गुंबद है, जो ये डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ है दोनों तरफ। तो सामने आपको दिख रहा दोस्तों दूसरा सीढ़ी, हमने फर्स्ट सीढ़ी को पार कर लिया, यह है दूसरा सीढ़ी, इसके ऊपर हम जाएंगे। तो आपको उसके बाद 2 सीढ़ियाँ और मिलेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि अभी इसके ASI ने इसमें काफ़ी चेंजेस किया हुआ है। तो ये जो अभी उद्घाटन हुआ था इसका, वो रिसेंटली हुआ था, इसीलिए इसमें आपको फूल वगैरह लगा हुआ आप देख सकते हैं, और इसकी सफाई भी बहुत अच्छी हो रखी है। तो आप घूमने के लिए आ सकते हैं, बहुत अच्छा पैलेस है। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं क्या है। और ये इसके ऊपर चढ़ के ऐसा आप, हम इधर से अंदर आए थे, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये सामने दोस्तों इसका जो है तीसरा जीना, बट इसको अभी बंद कर दिया गया है, इसके साइड से एक जीना को बनाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये कैफेटेरिया का एरिया है जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये एरिया कैफेटेरिया का एरिया है। और ये है इसका तीसरा जीना, जो अभी साइड से बनाया गया है। तो इसके ऊपर चलते हैं हम, और इसके ऊपर आते ही आपको जो है एक साइड से और एक जीना मिलेगा ये, और इसके चारों तरफ भी ऐसा फूल से सजाया गया है, जो कि अभी बनाया गया है। और सामने आप देख सकते हैं उनका मकबरा, और ये है हमारा चौथा जीना। तो ये 4 जीनों पार करके हम मकबरे के ऊपर जाएंगे, जो काफ़ी ऊँचाई पर है। और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, मोहम्मद कुली खान का मकबरा वो लिखा हुआ है, और सामने है मोहम्मद कुली खान का मकबरा। तो चलिए इसके ऊपर भी चलते हैं और मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। और ये है इसके सामने का सीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और जो अभी थोड़ा बहुत इसमें मरम्मत भी किया गया है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ आपको पूरा क्लीन मिलेगा, बट बाहर की तरफ अभी मरम्मत होना बाकी है, जो ASI के द्वारा अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। तो आप देख सकते हैं इसकी मेहराबें कितनी खूबसूरत है। और ये इसके ऊपर एक झरोखा बनाया गया है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कितना क्लीन है, यानी कि अभी इसमें रिसेंटली काम किया गया है, और कितना खूबसूरत आपको जो दिख रहा है, जो वाइट पेंट से इसको पेंट किया गया है, और ब्लू कलर का जो नक्काशी है वो पुराना ही है, इसमें थोड़ा बहुत मरम्मत किया गया है, जो इसका मेन कलाकारी है उसको नहीं छेड़ा गया, वो सेम है। तो आप देख सकते हैं पहले जैसा था वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया, मीन्स क्लीनिंग किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें।
और यह ऊपर गुंबद का नज़ारा है जो कि बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अभी हम नीचे भी चलेंगे, इसके नीचे ही इनका मकबरा है, उसके मकबरे के ऊपर ये कुछ बनाया गया है। तो चलते हैं इसके नीचे और देखते हैं अंदर के मकबरे का सीन। आप देख सकते हैं इसके अंदर ही उनका कब्र है, उसके ऊपर ये मकबरा बनाया गया है, अभी ये लॉक है। चलिए उस तरफ भी देख लेते हैं। तो ये है इसके नीचे का सीन, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड का एरिया है। इस तरफ क्या है एक बार चल के देखते हैं। अच्छा बंद है। तो दोस्तों इसकी टिकट की बात करूं तो पर पर्सन 30 रुपये टिकट लगना स्टार्ट हो गया है अभी। पहले ये फ्री था, 4 जनवरी से अभी ये स्टार्ट है। और इसका नियरेस्ट मेट्रो जो है वो कुतुब मीनार नियरेस्ट मेट्रो आपको पड़ेगा, आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ पार्टनर के साथ आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों जो कुली खान थे वो आदम खान के भाई थे। कुली खान और आदम खान महमंगा के बेटे थे जो कि अकबर की दाई माँ थी। मैंने आदम खान के बारे में भी एक वीडियो बना रखा है उनके मकबरे के बारे में, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये भले ही मुग़ल काल में बना हुआ मकबरा है, लेकिन ये दोनों मकबरा, आदम खान का मकबरा और कुली का मकबरा, बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और इसको जानबूझकर अष्टभुजाकार में बनाया गया था जो कि लोधी काल में बना हुआ मकबरा हुआ करता है। शायद अकबर इन दोनों से नाराज थे, इसीलिए अकबर ने दोनों के मकबरे को अष्टभुजाकार में बनाया हुआ है। दोस्तों जब मुग़ल काल का अंतिम दौर चल रहा था, यानी कि बहादुर शाह जफर जब मुगलिया बादशाह हुआ करते थे, तब यहाँ पे एक अंग्रेज ने, मेट कॉफ ने, इस जगह को हनीमून स्पॉट बना रखा था। और अंग्रेज यहाँ हनीमून मनाने के लिए आया करते थे। दोस्तों ये था कुली खान का मकबरे का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।